साउथ की एक और खतरनाक मूवी जो कि पूरे बॉक्स ऑफिस को हिला सकती है और बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना सकती है, और इस मूवी का नाम है केडी द डिविल, जो कि एक हाई लेवल की एक्शन मूवी होने वाली है। हालांकि इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सफलता तभी मिलेगी जबकि सुपरस्टार ध्रुवा सर्जा के कैरियर की पहली पैन इंडिया मूवी जिसका नाम है मार्टिन वो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस होगी। और जिस तरह से ध्रुवा सर्जा की मूवीज के जो भी टीजर एंड ट्रेलर्स होते हैं उनको जिस तरह से यूट्यूब पर एंड सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स मिलता है, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लग रहा है कि जब मूवी रिलीज होगी तो उसको बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा और सिनेमा हॉल में भी लोग देखने जाने वाले हैं। तो दोस्तों, केडी द डिविल एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसके लीड रोल में आप सुपरस्टार ध्रुवा सर्जा, और फीमेल लीड रोल के लिए अभी कोई नाम कन्फर्म नहीं हुआ है ऑफिशियली, लेकिन खबरों की माने तो तारा सुतारिया और रश्मिका मंदाना को अप्रोच किया जा रहा है। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि फाइनली किसको सिलेक्ट किया जाता है। और अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी की कहानी आधारित होगी एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर पर और माफिया पर जिससे पूरा शहर थरथर कांपता है। लेकिन वहीं शहर के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उसको अपना मसीहा मानते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं, जिसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। तो इस मूवी के अंदर बहुत ही जबरदस्त स्टोरी देखने को तो मिलेगी ही, लेकिन हमें हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी अपडेट की और रिलीज डेट की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि इस मूवी के फीमेल लीड रोल के लिए किसको सिलेक्ट करना चाहिए, और आप ध्रुवा सर्जा के साथ तारा सुतारिया को देखना चाहते हो या फिर रश्मिका मंदाना को देखना चाहते हो। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी अपडेट की और रिलीज डेट की, तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उससे पहले हमें सुपरस्टार ध्रुवा सर्जा की मार्टिन मूवी देखने को मिलेगी और उसके बाद फिर केडी द डिविल मूवी देखने को मिलेगी। और अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो खबरों की माने तो ये मूवी आपको 14 अप्रैल 2023 को सिनेमा घरों में देखने को मिल सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से इस मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया जा सकता है। तो इस मूवी से जुड़ी सारी जानकारी के लिए और साउथ की नई नई मूवी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाले आइकॉन को भी दबा देना, ताकि कोई भी मूवी रिलीज हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।